नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि शहर का बंदा बहुत बढ़िया है, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले बहुत सुखी और बहुत बड़े बड़े शहरों में रहने वाले आदमी पॉल्यूशन से दुखी है, रोजमर्रा के कामों से दुखी है, उसकी जिंदगी झंड हो चुकी है और वो गाँव वालों को देख कर खुश होता है और गांव में जाना चाहता है। तो आज मैं आपको गांव और शहर में फर्क बताऊंगा कि गांव का व्यक्ति क्या सोचता है और शहर का व्यक्ति क्या सोचता है। गांव के व्यक्ति अच्छे होते हैं, शहर के व्यक्ति अच्छे होते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा, इंसान सब वही हैं। आज मैं आपको विश्लेषण करूंगा, बताऊंगा कि गाँव का व्यक्ति अच्छा या शहर का व्यक्ति अच्छा। आपने देखा होगा कि गाँव में लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर होते हैं और कृषि प्रधान देश भी है हमारा भारत, तो लोग वहां पर खेती करते हैं। अब गांव की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि जिनके पास 20 एकड़ जमीन है या जिनके पास 100 बीघा, 200 बीघा, 400 बीघा, 500 बीघा जमींदार है, वो बहुत बड़े आदमी हैं गांव में, लेकिन फिर भी वो दूसरे की मेड़ काट देते हैं और इंच इंच मेड़ काट कर अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, मतलब अपना खेत बढ़ाना चाहते हैं, और वहां पर मेड़ के चक्कर में आए दिन लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं। अगर किसी के पास 50 बीघा है तो वो मेड़ काट देगा, किसके पास अगर 500 बीघा है तो वो मेड़ काट देगा, जिसके पास 2 बीघा है वो मेड़ काट देगा। मेड़ काटने पे लड़ाई होती है, चक्रोड को खत्म करने पर लड़ाई होती है। अगर दोनों खेतों के बीच में चक्रोड जा रहा होगा, एक रास्ता जा रहा होगा 15 फीट चौड़ा, तो क्या होगा, कोई 10 फुट काट लेगा, कोई 5 फीट काट लेगा, बाद में वो चक्रोड खत्म हो जाएगा, बाद में होगा युद्ध। जब ट्रैक्टर या गाड़ी निकालनी होगी तो वहां से चक्रोड़ बनाया जाएगा और फसल को खराब कर दिया जाएगा, तब वहाँ पर युद्ध शुरू होता है और इन जैसी इस टाइप की लड़ाइयों से पुलिस को फायदा होता है और पुलिस पैसा कमाती है, समझौता कराती है और माल कमाती है। दोस्तों, ये ज़्यादातर लड़ाइयाँ गांव में होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, गांव में भी क्या है कि अगर मकान बना लिया तो आजू बाजू वो खिसकाने लगती हैं अपनी दीवारों को और मकानों को, और अपना चबूतरा भी ठोंक देते हैं रोड पे, कई जगह ऐसा होता है। अब वहाँ पर इस बारे में भी लड़ाई होती है, मकान मालिक लड़ जाते हैं आपस में, फिर ये थाने तक मामला पहुंचता है और वहां पर भी समझौता होता है और पुलिस माल कमा लेती है या पुलिस पैसा बनाने के लिए बैठी है। पुलिस चाहती है लड़ो, तुम खूब लड़ो, जितना लड़ोगे उतना उसका प्रॉफिट होगा, लड़ोगे नहीं तो कैसे केस आएंगे, और अगर आप लोग लड़ोगे नहीं तो थानेदार और सिपाही और कांस्टेबल दरोगा लोग वो क्या होगा, बेरोजगार हो जाएंगे, सैलरी पर डिपेंड होंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको। मतलब जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, दंगे होंगे, फूटा फुटावर होगी, उतना ज़्यादा प्रॉफिट थाने वालों का होगा। पुलिस का प्रॉफिट है, आप लड़ो, हमारा प्रॉफिट होगा, हमारी जेब में माल आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं शहर की, शहर में क्या है, शहर का आदमी कैसा होता है, बड़ा ही बुद्धिजीवी होता है शहर में। कुछ लोग होते हैं बड़े आदमी होते हैं और बहुत समझदार होते हैं। शहर में दो टाइप के लोग होते हैं, शहर में दो तीन टाइप के लोग होते हैं। शहर में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड और उसकी अच्छी विचारधारा होगी, बहुत ही उच्च क्वालिटी का बंदा होगा, तो वो अगर 100 गज का मकान खरीदेगा तो अपनी कार खरीदने के लिए, अपनी कार को खड़ी करने के लिए छोटा सा एक गैराज बना लेगा और रोड पर कार को नहीं खड़ा करेगा। ये होता है बहुत ही समझदार व्यक्ति और ये होता है देश का सबसे अच्छा नागरिक। दूसरा शहर का आदमी कैसा होता है, 100 गज का तो मकान लेगा, ठीक है, और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं बनाएगा, और 100 गज के मकान बनाने के बाद 5 फीट रोड पे अपना चबूतरा बना देगा, वहाँ पत्थर लगा देगा, ईंट पत्थर लगा के और जगह कब्जा लेगा, और 100 गज में तो मकान बना लिया और 5 फीट पे चबूतरा बना लिया दोस्तों। अब क्या करेगा, चबूतरे की जो 5 फीट जगह घेरी है उसके साइड में अपनी कार खड़ी कर देगा रोड पर, कहाँ पर, रोड पर। अब ये भी कार खड़ी करेगा, दूसरा वाला भी इसको देखकर ऐसे ही करेगा, वो भी अपनी कार खड़ी करेगा। तो आप सोचते होंगे कि इधर भी कार उधर भी कार, चबूतरा और चबूतरा, बीच में जगह कितनी बची निकलने के लिए, बहुत कम जगह बची। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और शहर के आदमी दान निपोरते हुए वहां पर अपने घर के सामने देखते रहते हैं सब, ठीक है। जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, 100 गज की जगह में क्या करेगा, 100 गज खरीदे चाहे 200 गज खरीदे चाहे 400 गज खरीदे, लेकिन वो कार के लिए अपना गैराज बनाएगा, अपनी कार को पार्किंग करने के लिए अपने ही घर में जगह बनाएगा, वो रोड पर पार्क नहीं करेगा, और अपना चबूतरा भी अपनी ही जमीन में बनाएगा, रोड पर इंच भर भी नहीं ले जाएगा। लेकिन कुछ दुष्ट
दुष्ट टाइप के होते हैं, धूर्त लोग होते हैं, निकृष्ट लोग होते हैं शहर में, वो क्या करते हैं, मकान बनाएंगे और कार खड़ी करने के लिए गैराज नहीं बनाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, चाहे वो 1000 गज का कोठी बना ले या मकान बना ले, कार साले रोड पर ही खड़ी करेंगे, रोड पर कार खड़ी करेंगे, रोड पर चबूतरा बनाएंगे और जगह साले रहने नहीं देंगे ताकि एक्सीडेंट हो जाए और लोगों के निकलने बैठने की भी दिक्कत हो जाए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि जरूरी नहीं है शहर में सब बुद्धि पढ़े लिखे हैं, सब होशियार है, पढ़ा लिखा आदमी बहुत जाहिल है, पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत ज़्यादा जाहिल है। अब जाहिलता देख ही रहे हो आप, मकान 100 गज का हो या 200 गज का हो, लेकिन कार रोड पर खड़ी करेगा और चबूतरा 5 फुट का रोड पर ठोक देगा, ये उसके पापा की जगह है। उसके बाद साला चबूतरे पे आपको चढ़ने नहीं देगा, चबूतरा उसके बाप का हो गया, समझ रहे हो आप। तो अतिक्रमण साला सब जगह है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। फोकट की जमीन कब्जाने का फोकट की जमीन कब्जा करने का शहर में ज़्यादा ही पंगा होता है, बड़े बड़े पंगे होते हैं जो यहाँ पे शहरों में बड़े बड़े कोतवाली में जाते हैं, थाने में जाते हैं, वहाँ भी यही होता है दंगा फसाद। यहाँ तो लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं, 10-10 फीट के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मार देते हैं ऐसे, जैसे गांव में लाठी और लडंडे चलते हैं। तो शहर हो या गांव, सब कुछ है वही, लेकिन जो शहर में उच्च क्वालिटी के लोग होते हैं, मैंने आपको बताया जो उच्च क्वालिटी के लोग होते हैं, अच्छी विचारधारा के लोग होते हैं, जो देश के नागरिक हैं और एक अच्छे नागरिक हैं, वो देश समाज हर व्यक्ति की परवाह करेंगे और वो खुद की परवाह बाद में करेंगे, सामने वाले की परवाह पहले करेंगे, वो देश के अच्छे नागरिक होते हैं। तो दोस्तों, देश के अच्छे नागरिक की आज मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ। देश का एक अच्छा नागरिक क्या होगा, वो ये सोचेगा कि हमारा घर तो चले चले लेकिन देश भी तरक्की करे और चले, और हमारे आसपास रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसको किसी भी तरह की हमसे समस्या ना हो, हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य से उसको कोई आपत्ति ना हो। दोस्तों, यह धर्म में भी आता है, धर्म भी यही है। तो यहाँ पर आप अच्छे कर्म कर रहे हो ना, आपका पड़ोसी हो, सामने रहने वाला हो, दोस्त हो, मित्र हो, कॉलोनी का व्यक्ति हो, आपके आवास के आसपास का व्यक्ति हो, आप फ्लैट में रहते हो वहाँ का व्यक्ति हो, आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य से किसी भी पड़ोसी को, कॉलोनी के व्यक्ति को समस्या उत्पन्न ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और सरकार को, कानून को, समाज को, किसी भी प्रशासनिक विभाग को, अगर आपके द्वारा किए गए कृत्य से, कर्म से किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है, तो आप देश के सच्चे नागरिक हैं, आप देश के अच्छे नागरिक हैं। देखिए, कोई भी देश अच्छा तब बनता है जब वहाँ का नागरिक अच्छा होता है। अब जब नागरिक ही चोर है, 420 है, तो देश अच्छा कहाँ से बन जाएगा, बताइए। अभी आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूँ कि घटिया टाइप के नागरिकों के लिए क्या होता है कि ट्रेन में जो लुटिया होती है, जिससे आप लोग सोच करते हैं, उस लुटिया को स्टील की जंजीर में बांध दिया जाता है। दोस्तों, मजबूरी है, अगर नहीं बांधेंगे तो लुटिया हुई वहाँ से लोग उखाड़ ले जाएंगे, जग है या लोटा है उसे उखाड़ कर ले जाएंगे, शीशा उखाड़ कर ले आते हैं लोग, बाटा टैब उखाड़ के ले आते हैं लोग। तो ऐसी मानसिकता और विकृत मानसिकता वाले लोगों से देश अच्छा नहीं हो सकता, देश सिर्फ बर्बाद होगा। तो देश बनता है उस देश के नागरिकों से, अच्छे नागरिकों से बनता है देश अच्छा। तो आप आज से पढ़ के लीजिए, आप अच्छे नागरिक बनेंगे, और अगर आप 100 गज का मकान बना रहे हैं तो आप गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग बनाएंगे अपने घर में, और रोड पर कार नहीं खड़ी करेंगे, और अगर चबूतरा भी रोड पर नहीं ठोकेंगे 5 फुट का, आप अपना जगह में बनाएंगे। ओके, तो इससे आप अच्छे नागरिक होने का परिचय दे सकते हैं, आप परिचय दे सकते हैं, तब आप अच्छे नागरिक माने जाएंगे। वरना तो आप, जो दुनिया चल रही है, तो है आप भी जाहिल, दुनिया जाहिल, तो फिर आप दूसरे पर भी उंगली नहीं उठा सकते कि यार दूसरा आदमी ऐसा कर रहा है, समझ रहे हैं आप। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग समझ गए होंगे, गाँव हो या शहर, जाहिल साले सब जगह होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है शहर में साले सब पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं, शहर में बड़े बड़े जाहिल 420 लोग पड़े होंगे, और 420 ज़्यादा है शहर में, ठीक है। मतलब पे आपको दिखाई नहीं, मतलब पे आपको दिखाई देंगे, वैसे आपको दिखाई नहीं देंगे, मिस्टर इंडिया हो जाएंगे। तो गांव में फिर भी लोग एक दूसरे की हेल्प का ज़्यादा करते हैं, लेकिन शहर में ऐसा माहौल नहीं देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है, 90% मतलब शहर में कम देखने को मिलता है ऐसा। गाँव में आपको ऐसा माहौल मिल जाएगा, लोग आपकी हेल्प करने के लिए भी, आपको जानते हो ना पहचानते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी हेल्प करने आ जाएंगे, अगर आपको
किसी मुसीबत में देखेंगे, आपको समस्या में होंगे, लेकिन ये गांव तक ही सीमित है। अब ये सोचो कि गांव का व्यक्ति कहीं दूर जाकर किसी हेल्प करे, नहीं करेगा। लेकिन गांव में भी अब धीरे धीरे ये माहौल बन रहा है कि लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी सेल्फिश हो रहे हैं कि कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है, ना किसी की हेल्प कर रहा है, ना ही लोग सहायता कर रहे हैं। दुनिया में पैसा के चक्कर में लोग भाग रहे हैं, पैसे में दीवाने हो गए लोग, मानवता ख़त्म हो रही है। तो आप लोग हमारे वीडियो से, आपको अगर कोई अच्छा मैसेज मिला हो तो दोस्तों उसको आगे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। गांव हो या शहर, मानसिकता मैंने आपको बता दी है, शहर में हर तरह का, हर टाइप का आदमी मिल जाएगा, एक से बढ़कर एक आपको मिल जाएगा। गांव में सीमित आबादी होती है, लेकिन शहर में आपको पूरे देश के आदमी मिल जाएंगे। हर प्रदेश के, हर शहर के, हर प्रांत के, हर कोने कोने से आदमी आया हुआ होता है शहर में। कोई नौकरी से आया होता है, कोई व्यापार से आया होता है, कोई अपने और काम से आया होता है। इसलिए शहर में आपको अलग अलग टाइप का अनोखा आदमी मिल जाएगा दोस्तों। उसके लिए अगर आपने जानकारी ज़्यादा चाहिए तो आपको दुनिया भ्रमण करनी पड़ेगी और सब समझ में आ जाएगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, कहाँ क्या हो रहा है। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।